बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मरियम किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। और किस चीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, सब लोगों को, मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा था कि आप वेट लूज बताइए कि आपने कैसे वेट लूज़ किया। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ जो है अपनी पूरी वेट लूज़ की जर्नी जो है वो शेयर करूँ कि आफ़्टर डिलीवरी आप वेट लूज़ कैसे कर सकते हैं और क्या क्या आप लोगों को खाना चाहिए और किन हेल्दी चीज़ों से आप वेट लूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वेट लूज़ सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को पतला नहीं होना होता, हम लोगों को हेल्दी दिखना होता है। आप लोग मतलब आप चाहते हैं कि सिर्फ आप मतलब कि ये ना हो कि पतले हो जाएं और आपकी हड्डियाँ नज़र आ रही हो, ऐसा नहीं हम लोगों को चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि हम हेल्दी नज़र आएँ, थोड़ा सा गोश भी रहे और अच्छे भी दिखें और चेहरे पर झुर्रियाँ भी ना पड़े। हम लोगों को इस तरह का मतलब हम लोगों को इस तरह की खुराक खानी चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा, तो उसकी वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जिन जिन लोगों का वेट गेन होगा उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके, वो लोग भी मुझे फॉलो करें। और मैं मज़ीद आगे और भी वीडियोज़ डालूंगी, पूरा आपके साथ मील शेयर करूंगी कि मैं किस तरह वेट लूज़ करती हूँ। और नाश्ता सबसे पहले तो हम लोग जो आज की वीडियो है वो है ब्रेकफास्ट की, कि ब्रेकफास्ट में आप लोगों को क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि वेट लूज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ब्रेकफास्ट। तो आपको जो नाश्ता है वो क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, नाश्ते को स्किप कर देते हैं, पूरा पूरा दिन भूखा रहते हैं और क्या करते हैं कि रात का खाना खा लेते हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को हेल्दी नाश्ता करना चाहिए, उसके बाद जो है पोर्शंस में खाना खाना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आपको सब साथ साथ बताती रहती हूँ। पहले तो हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेरीज ले रही हूँ, ये मुझे बेरीज इसमें डाल रही हूँ मैं। सबसे पहले तो हम लोग बेरीज डालेंगे, थोड़ी सी मैंने बेरीज ली है। यहाँ पे मेरे पास हैं ये कैशूज, तो ये मैं काजू भी डाल रही हूँ, 4 से 5 आप डालें। ये आपकी बहुत हेल्दी ड्रिंक है जो कि सुबह नाश्ता आपको ये करना चाहिए। मैं बताती हूँ आपको, 4 से 5 मैंने डाल दिए इसमें क्या बादाम। स्ट्रॉबेरीज यहाँ पर हैं जो कि मैं डाल रही हूँ 3। उसके बाद मेरे पास ये केला है, ठीक है, मेरा केला तो बेचारा बिल्कुल ही वो हो गया है, क्या कहते हैं, काला हो गया, लेकिन जितना काला होता है उतना अच्छा टेस्टी भी होता है। तो हाफ मैं बनाना ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही, ठीक है। इसको आप इस तरह से काट लें और इसके अंदर जो है मैं डाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक एप्पल है, एप्पल को मैं फुल नहीं डालूँगी, थोड़ा सा एप्पल डालूँगी। और एप्पल क्या करना है कि आपने छिलके के साथ डालना है, छिलके को निकालना नहीं है, क्योंकि सारे जो उसके फायदे होते हैं ना वो छिलके में ही होते हैं। आपको खाने में आपको कट कट करके देती हूँ, तो इस तरह से आप इसको काट लें, ठीक है। ओके, तो एप्पल भी मैंने ले लिया है, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा और डालना है, बट इट्स ओके, मलिया ने मुझसे ले लिया। तो यहाँ पर मैंने पीनट बटर लिया है, ये पीनट बटर जाएगा इसमें कितना, 1/2 टीस्पून भी आप कर सकते हैं, जितना आपको खाना है। पीनट बटर हेल्दी बहुत होता है, बहुत रिच होता है, और सबसे बड़ी बात जो है वो थोड़ा सा मीठा होता है। तो अगर आप शुगर नहीं डालना चाहते, फॉर शुगर तो नहीं डालनी, इस ड्रिंक में शुगर बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि ये वेट लूज की ड्रिंक है, हेल्दी ड्रिंक है, जो कि आपको पूरा दिन जो है वो इनर्जी देगी, इनर्जेटिक ड्रिंक है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑट मील। ये ऑट मील जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सुबह नाश्ते में खाना। जो लोग रोज़ जिंदगी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल रखते हैं, उनके चेहरे पे कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती, उनका चेहरा बहुत फ्रेश रहता है और कभी भी उनको मोटापा नहीं होता। आपने अगर वेट लूज़ करना है ना, तो आप दलिये का इस्तेमाल रखें, दलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं खानी ना, आप सिर्फ दलिया दूध में अच्छे से बना के दूध में कर सकते हैं, मतलब उसको खा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ड्रिंक्स में दलिया नहीं पसंद होता, नहीं वो खाना चाहते। तो आप इसको दूध में बनाकर खाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा बनाना डाल लें, थोड़ा सा सिरप डाल लें, शहद डाल लें, शहद का इस्तेमाल रखें। तो दलिया जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लूज़ करने में। आप बेशक रिसर्च भी करें दलिया के कितने सारे फ़ायदे हैं, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 and 2 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ, मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाती हूँ,
तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक और डाल रही हूँ। आपको अगर नहीं खाना तो आप कम भी कर सकते हैं, ये सारा आपके ऊपर है क्वांटिटी पे कि आपको कितना ज़्यादा चाहिए दलिया। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला, 3 डाले हैं टेबल स्पून। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ दूध, दूध जाएगा इसमें, थोड़ा सा दूध जाएगा, ठीक है। और सब चला गया, ठीक है। दूध जो मैंने अभी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डाला, वो इस वजह से कि अभी जो है ना, अगर मैं इसको फुल कर दूंगी तो ये बाहर आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने उस बेचारे को बहुत ज़्यादा फुल कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। इसको मैंने बंद करा और अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने ब्लेंड कर, हमारी ड्रिंक रेडी हो चुकी है, बहुत ही यमी। और ये मेरा नाश्ता है, सिर्फ ड्रिंक। कलर दिखाइए इसका मुझे, ये देखिए। और अब मुझे अगर इसके ऊपर जो है थोड़ी सी और बेरीज डालनी है तो मैं वो भी डाल सकती हूँ। ये सब मेरी मर्जी है, आप लोगों की मर्जी है कि अगर आप लोगों को डालनी है, बट अभी मैं नहीं डाल रही। ऑलरेडी बहुत मजेदार किस्म की ड्रिंक तैयार हुई, तो पी के देखती हूँ। बहुत टेस्टी है, ये जरूर ट्राई करिएगा। वेट लूज करने की ड्रिंक है ये। वेट लूज करने का ये मतलब नहीं कि आप नाश्ता स्किप कर दें, आप ड्रिंक जरूर पिए और मुझे फीडबैक दें कि आपको ये मेरी वेट लूज करने की ड्रिंक कैसी लगी। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि आप कितनी जल्दी वेट लूज करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने क्या करना है, तो वो मेरी आने वाली वीडियोस में आप देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे कॉमेंट्स में करके बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। और मुझे मज़ीद ये वीडियोज़ बनानी चाहिए, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।